हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 133 एंड सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के एविडेंस एक्ट के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोबेंडम के नाम से, आप वहाँ जाके इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट के अलावा हमने सीआरपीसी भी कवर करना शुरू किया है, तो वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। सेक्शन 133 जो है वो बात करता है एविडेंस ऑफ एकम्प्लिस की, और सेक्शन 134 बात करता है नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड की। ओके, तो इन दोनों सेक्शंस को एक एक करके देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकम्प्लिस होता कौन है। तो एकम्प्लिस इज अ पर्सन हु अलोंग विद अदर और अनदर has committed some part, large or small, in the commission of crime. मतलब accomplice वो person होता है जिसने एक दूसरे के साथ मिलके कोई crime commit किया होता है, ठीक है? उसने commission of crime में part लिया होता है, ठीक है? या तो उसने main offence में part लिया होता है, या फिर उसने main offence के होने से पहले facilitate किया होता है offenders को, या फिर होने के बाद facilitate किया होता है offenders को, ठीक है? It is a general term and is used to designate the person from whom the police for some reason do not arrest but calls as a witness for the prosecution. कहने का ये मतलब है, मान लीजिए पांच लोगों ने कोई क्राइम कमिट किया है, अब इसमें से एक पर्सन को पुलिस जो है वो पकड़ लेगी और इसको अरेस्ट नहीं करेगी, इसको अरेस्ट नहीं करेगी और इसको प्रोसिक्यूशन जो है वो एज अ विटनेस प्रोड्यूस करेगा इन द कोर्ट अगेंस्ट दीज अक्यूज्ड। तो ये जो पर्सन है इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मतलब जिसने साथ दिया था एक्यूज का, लेकिन अब वो क्या हो गया है, अब वो प्रोसिक्यूशन की साइड में आ गया है। ओके, नाउ इफ ही इज अ पर्सन इंड्यूस्ड बाय पुलिस टू टेक पार्ट इन द क्राइम फॉर द पर्पसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस अगेंस्ट अदर्स, ही इज कॉल्ड ट्रैप विटनेस। अब देखिए, कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि पुलिस को पता है कि कोई क्राइम होने वाला है, तो पुलिस ने अपना ही कोई पर्सन उस ग्रुप में, जो ग्रुप क्राइम कमिट करने वाला है, उस ग्रुप में प्लांट कर दिया इस पर्पस से कि वो जो पर्सन है वो इन बाकी लोगों के खिलाफ जो है एविडेंस कलेक्ट कर लेगा। तो जो ऐसा पर्सन होता है इसे हम बोलते हैं ट्रैप विटनेस। ओके, और इफ ही इज अरेस्टेड एंड देयर आफ्टर गिवन पार्डन, ही इज रेफर्ड टू एन अप्रूवर। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने क्राइम कमिट किया है और बाद में उसको पुलिस ने पकड़ा और उसको पार्डन मिल गया, तो उसको बाद में बोला जाएगा अप्रूवर, ठीक है? और जो एकम्प्लिस टर्म है वो दोनों को इंक्लूड करता है, वो ट्रैप फिटनेस को भी अपने एम्बिट में इंक्लूड करता है और एक अप्रूवर को भी अपने एम्बिट में इंक्लूड करता है। ओके, तो एकम्प्लिस वो पर्सन होता है जिसने और लोगों के साथ मिलकर किसी क्राइम को कमिट किया हो और पुलिस ने उसको प्रोसिक्यूट करने की बजाय उसको एज अ विटनेस अपने साइड बुला लिया, कहा कि हम तुमको कोई बेनिफिट दे देंगे और तुम जो है बाकी एक्यूज के खिलाफ गवाही दे दो। तो वो जो पर्सन है वो फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 133 बन जाता है एकम्प्लिस। ओके, अब देखिए सेक्शन 133 कहता क्या है। सेक्शन 133 ये कहता है कि जो एकम्प्लिस होता है, ही इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन। जो एक्यूज पर्सन है उसके खिलाफ गवाही देने के लिए ये कॉम्पिटेंट विटनेस है। और ये आगे ये भी बोलता है कि एक कन्विक्शन कैन बी बेस्ड अपॉन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अक्यूज्ड, ऑफ एन अकम्प्लिस, एंड दैट वुड बी लीगल। मतलब एक अक्यूज को, एक मान लो ए है और ये बी है, ए और बी ने मिलकर कोई क्राइम किया था, बी अब बाद में अकम्प्लिस बन गया है, ए जो है इसके खिलाफ केस चल रहा है। अब बी जो है सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग बी इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट ए। ओके, और केवल बी की अपनी टेस्टिमनी के ही बेसिस पर, केवल बी की टेस्टिमनी के बेसिस पे, जिसको कोरोबोरेट भी नहीं किया गया है, ए को अगर गिल्टी करार दे दिया गया तो वो जो जजमेंट होगा, वो जो प्रोसेस होगा, वो लीगल होगा। ओके, इट मे फर्दर मेक दैट अ कन्विक्शन बेस्ड अपॉन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस लीगल। इसकी टेस्टिमनी जिसको आपने कोरोबोरेट भी नहीं किया है, केवल उसके बेसिस पे अगर ए को आपने दंडित कर दिया तो भी वो दंड जो है वो लीगल होगा, ठीक है? ये तो कहता है हमारा सेक्शन 133। इलस्ट्रेशन बी जो है सेक्शन 114 का, वो ये कहता है कि जो कोर्ट है वो प्रिज्यूम कर सकता है कि एक जो एकम्प्लिस है ही इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। मतलब उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसकी टेस्टिमनी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अनलेस ही इज कोरोबोरेटेड।
जब तक कि उसकी टेस्टिमनी को कोरोबोरेट नहीं कर लिया जाएगा इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, मतलब उसकी जो टेस्टिमनी है उसको पूरी तरीके से कोरोबोरेट नहीं कर लिया जाएगा। अब अगर आप प्लेन रीडिंग करोगे सेक्शन 133 की और सेक्शन 114 के इलस्ट्रेशन डी की, तो आपको ये लग सकता है कि ये दोनों उल्टी बात कर रहे हैं, एक दूसरे से उल्टी बात कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों जो सेक्शंस हैं, ये तो दोनों बात कर रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, दीज टू प्रोविजंस आर इन हार्मोनी विद ईच अदर। अब कैसे हार्मोनी में है, तो देखिए एक तरफ सेक्शन 133 है वो एक रूल ऑफ लॉ लेट डाउन करता है, वो ये कहता है कि अगर किसी अकम्प्लिस ने कोई टेस्टिमनी की है तो उसके अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी पे भी हम एक्यूज को गिल्टी साबित कर सकते हैं। वेयर एज इलस्ट्रेशन बी कहता है कि जो अकम्प्लिस है उसको जो है अनवर्दी ऑफ क्रेडिट कोर्ट एज्यूम कर सकता है। तो ये तो एक रूल ऑफ लॉ हो गया सेक्शन 133 का, वाइल जो सेक्शन 114 बात करता है, इलस्ट्रेशन बी उसका जो बात करता है वो एक रूल ऑफ प्रूडेंस की बात करता है। मतलब कहने का ये है कि कोर्ट के लिए एक तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करता है इलस्ट्रेशन बी, और कहता है कि जब भी आप एक किसी एकम्प्लिस की टेस्टिमनी को कंसीडर करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए और उसकी टेस्टिमनी को कोरोबोरेट करना चाहिए। ठीक है, आप ये मान सकते हो कि वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है और उसकी टेस्टिमनी को बहुत ही ध्यान से आपको लेना होगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 133 सिंपली डिक्लेयर्स दैट द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज कैन नॉट बी सेट असाइड सिंपली ऑन द ग्राउंड दैट एकम्प्लिस टेस्टिमनी वॉज नॉट कोरोबोरेटेड। जो सेकेंड पार्ट है सेक्शन 133 का, वो सिंपली ये बात कहता है कि अगर किसी केस में कोर्ट ने केवल एकम्प्लिस की टेस्टिमनी के आधार पर किसी एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया है तो केवल इस ग्राउंड पे उस कन्विक्शन को सेट असाइड नहीं किया जा सकता। ओके, सेक्शन 114 रूल ऑफ प्रूडेंस करता है, वाइल सेक्शन 133 जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया था, एक केस था आर वर्सेस बास्करविल में, इसमें यह कहा गया था कि अनकोरोबोरेटेड एविडेंस ऑफ एन एकम्प्लिस is admissible in law, but it has been a common practice that proper caution is taken while convicting a person on the basis of such evidence. कहने का ये है, मतलब है कि 133 में जो law है उसके basis पे आप बेशक convict कर सकते हो without corroborated testimony of accomplice, लेकिन illustration B के according to आपको proper caution लेना चाहिए ऐसे person को convict करने के लिए on the basis of such evidence. ये जो रूल है, ये रूल ऑफ प्रैक्टिस है, ये एक तरीके से क्या बन चुका है, अब रूल ऑफ लॉ भी बन चुका है। ठीक है, इफ आफ्टर प्रॉपर कॉशन लेने के बाद अगर कोर्ट कन्विक्ट करता है तो उस बेसिस पे फिर उस कन्विक्शन की लीगैलिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि एकम्प्लिस की जो टेस्टिमनी थी वो अनकोरोबोरेटेड थी। ओके, आपने अगर प्रॉपर कॉशन लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी पे भी उसको कन्विक्ट कर दिया है तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक रूल ऑफ प्रैक्टिस है कि प्रॉपर कॉशन लेना चाहिए। अगला केस है यहां पे सरवन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, इसमें सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट एन अकम्प्लिस इज अनडाउटेडली अ कॉम्पिटेंट विटनेस, और बेशक ही कॉम्पिटेंट विटनेस है इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग टू, बट द वेरी फैक्ट दैट ही हैज पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इंट्रोड्यूसिंग अ सीरियस स्टेन इन हिज एविडेंस। सिर्फ इस बात से देखो, अगर कोई भी पर्सन है जिसने कोई क्राइम किया है तो ऑफ कोर्स ये आप अज्यूम कर सकते हो कि वो पर्सन जो है वो 100% अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है, अज्यूम कर सकते हो सकता है गलत भी हो, लेकिन आप ये अज्यूम करके चल सकते हो कि ही इज नॉट अ वेरी गुड पर्सन, अगर वो गुड पर्सन होता तो वो क्राइम नहीं कमिट करता। और ऐसा पर्सन जब कोई एविडेंस देता है तो उस एविडेंस पे आप थोड़ा तो शक करते ही हो। सुप्रीम कोर्ट दस लेड डाउन दैट बिफोर कोर्ट रीचेज द स्टेज ऑफ कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ कोरोबोरेशन, सुप्रीम कोर्ट जब उस स्टेज पे पहुंचती है कि उसको कोरोबोरेशन करना है या नहीं करना है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो अकम्प्लिस है वो रिलायबल विटनेस है भी या नहीं विटनेस है। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि जो अकम्प्लिस है ही इज अ रिलायबल विटनेस और नॉट। ओके, हिज एविडेंस मस्ट शो, उसका जो एविडेंस है वो उसको दिखाना चाहिए, इट मस्ट शो दैट ही इज अ रिलायबल विटनेस, एंड ओनली व्हेन द क्वेश्चन इज सैटिस्फाइड, और जब ये इस बात से कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कि जो एकम्प्लिस है इज अ रिलायबल विटनेस, तब जो है कोर्ट इस क्वेश्चन पे पहुंचेगी कि एविडेंस जो है वो कोरोबोरेट किया गया था या नहीं किया गया था। ओके, इसके बाद एक केस है राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था देयर इज नो लीगल हर्डल
against acting on the testimony of an accomplice. It is well settled that it would be imprudent to base a conviction on such testimony unless it is corroborated in particular manners. Where the conviction of the accused solely depends upon the testimony of the accomplice, the evidence of the accomplice have to pass the test of reliability and must secure the adequate corroboration before the same can be acted upon. तो कोर्ट ने यहाँ पे यही बोला कि जो रूल है सेक्शन 133 का जो लॉ है, ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग टू जो अकम्प्लिस है वो एक क्या कहते हैं उसको रिलायबल विटनेस है, लेकिन जो इलस्ट्रेशन बी है हमारा 114 का, अगर उसको हम साथ में लेते हैं और इसके साथ पढ़ते हैं तो कोर्ट को एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि जो एकम्प्लिस है वो रिलायबल विटनेस है या नहीं है, या फिर इसकी इसकी टेस्टिमनी पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और इसका जो एविडेंस होगा उसको आपने कोरोबरेट करना होगा। उसको कोरोबरेट करने के बाद अगर आपने केवल इसकी टेस्टिमनी पे भी एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया है तो इट वुड बी लीगल। ओके, तो ये थी हमारा सेक्शन 133। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 134 को। सेक्शन 134 जो है वो ये कहता है कि किसी भी केस में किसी भी एक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस लेके आया जाए। मान लो कि मर्डर का केस है तो ऐसा नहीं है कि मर्डर तभी प्रूव हो पाएगा जब आप 5 विटनेस मिनिमम लेके आ पाओगे, या फिर आप 3 विटनेस लेके आ पाओगे, या 10 विटनेस लेके आ पाओगे। अगर एक भी विटनेस है, ठीक है, और उसकी टेस्टिमनी बहुत ही पक्की है, मतलब मान लो आई विटनेस ही है, तो अगर रिलायबल विटनेस है और एकदम पक्का एविडेंस वो दे रहा है तो केवल एक विटनेस के कहने पर भी आपको गिल्टी साबित कर दिया जाएगा। ओके, नाउ द रूल ऑफ एविडेंस इज दैट इट शुड बी वेट एंड नॉट काउंटेड। उसका वेट देखो, एविडेंस का वेट कितना है, ये नहीं कि कितना एविडेंस आपको मिला है। ओके, सेक्शन 134 जो है इसी रूल को फॉलो करता है और कहता है कि नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। किसी फैक्ट के प्रूफ करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस श्याम सुंदर के केस में यह ऑब्जर्व किया था कि देर इज नो गुड रीजन फॉर कैस्टिगेटिंग द प्रोसिक्यूशन फॉर नॉट एग्जामिनिंग मोर विटनेसेस टू स्पीक अबाउट द एक्यूरेंस। कि आप केवल इस बात पे प्रोसिक्यूशन की प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो हटा दें कि आपने जो है ज्यादा विटनेस क्यों नहीं लेके आए। इस केस में प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी 3 विटनेस लेके आ चुका था, ठीक है, जिन्होंने जो है प्लेस ऑफ अकरेंस पे नॉइज सुनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये बोला था कि 3 तो उन्होंने ला रखे हैं, और केवल आप इस बेसिस पे कि आपने 3 से ज्यादा विटनेस क्यों नहीं लेके आए, इस बेसिस पे आप प्रोसिक्यूशन का केस फेंक नहीं सकते। यू कैन नॉट थ्रो द प्रोसिक्यूशन्स फेस वो केस। उसके बाद एक केस था रवि वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग सेक्शन 134, ठीक है। तो सबसे पहला कोर्ट ने ये बोला कि एज अ जनरल रूल अ कोर्ट कैन एंड मे एक्ट ऑन अ टेस्टिमनी ऑफ अ सिंगल विटनेस। एक विटनेस की टेस्टिमनी पे भी कोर्ट एक्ट कर सकता है जो कि भले अनकोरोबोरेटेड हो। वन क्रेडिबल विटनेस आउटवेज द टेस्टिमनी ऑफ अ नंबर ऑफ अदर विटनेसेस इन डिफरेंट कैरेक्टर। एक क्रेडिबल विटनेस आउटवे करता है हजारों विटनेसेस को जिनकी टेस्टिमनी ऊपर नीचे हो रही है, मतलब वो उनकी टेस्टिमनी रिलायबल नहीं है। ओके, दूसरा, अनलेस कोरोबोरेशन इज इंसिस्टेंट अपॉन द स्टैट्यूट। जब तक कोरोबोरेशन जो है वो स्टैट्यूट में नहीं लिखा है कि जरूरी है, कोर्ट को कोरोबोरेशन पे इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट इन दोस केसेस जहां पे सिंगल विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो थोड़ी डाउटफुल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड विटनेस अगर अपनी टेस्टिमनी देता है तो इसको कोरोबोरेट करना जो है वो रूल ऑफ प्रूडेंस होगा, या फिर जैसे अभी मैंने बताया कि एकम्प्लिस की जो टेस्टिमनी है इसको कोरोबोरेट करना क्या होगा, एक रूल ऑफ प्रूडेंस होगा। ऑफकोर्स जो है सेक्शन 133 कहता है कि आप अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी पे भी कन्विक्ट कर सकते हैं, लेकिन रूल ऑफ प्रूडेंस या कॉमन सेंस यही कहता है कि एकम्प्लिस की जो टेस्टिमनी होगी उसको आप क्या करेंगे, आप कोरोबोरेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा भरोसा है उसके ऊपर, एविडेंस उसके एकम्प्लिस के ऊपर, तो उस केस में तो आप ऑफकोर्स विदाउट कोरोबोरेशन भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी शक है तो आप एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस उसको कोरोबोरेट कर लोगे। लास्ट में
where whether corroboration of testimony of a single witness is or not necessary must depend upon the facts and circumstances of the each case. Single witness है, उसने कोई testimony दी है, उसका corroboration required है या नहीं required है, ये depend करेगा facts and circumstances of each case पे. हर case के अपने facts होते हैं, अपने circumstances होते हैं, वो witness कैसा है, कैसा नहीं है, वो उस case के facts and circumstances पे ही depend करेगा, और उसकी testimony को corroborate किया जाए या ना किया जाए, वो भी उसके facts and circumstances पे ही depend करेगा. ओके, तो आज हमने section 133 and 134 को पढ़ लिया है. अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब बात करेंगे सेक्शन 135 से आगे की. ओके, लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो, मेकिंग लॉ इजी. इस ऐप में आपको लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, साथ ही में आपको जो रिसेंट केसेस होते हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा. अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.